वेल हैलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं बहुत दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास चल रहा है। यस, यूनिवर्सिटी में जाके प्रॉपरली अटेंड करना पड़ रहा है क्लास। तो गाइस, मेरे पास बहुत सारा वीडियोस है जो कि पेंडिंग है, एडिट नहीं कर पा रही हूँ मैं। धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आज का वीडियो है बहुत दिन पहले का वीडियो और उसी के साथ मैं प्रेजेंट वीडियो भी शेयर कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो गाइस, एंजॉय द वीडियो। तो गाइस हेलो, गुड मॉर्निंग। आज संडे है, थोड़ा सा स्पेशल कुछ बनेगा। ये है शंकर माछ और ये है चिकन। यहाँ पर करीबन मोर देन 1 किलोग्राम ऑफ चिकन है और यहाँ पर है शंकर माछ, मतलब शंकर फिश, इसका नाम ही ऐसा है। मैं इसका जो इंग्लिश नेम है स्क्रीन पे, आपका जो इसका इंग्लिश नेम है वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी तो आपको समझने में आसानी होगी। और यहाँ पर चिकन, तो गाइस यहाँ पर चिकन का प्रिपरेशन चल रहा है। ऑनियन फ्राई कर रही हूँ मैं। यहाँ पर ऑनियन दिया है, देन क्यूमिन सीड दिया है, एक बे लीफ दिया है, एक रेड चिली दिया है। इसे तो फ्राई कर लेना है जब तक ना गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ जाएगा। अभी ये लगभग अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी इसके अंदर मैं दे दूँगी ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली, इन सब, देन टोमेटो, सब चीज़ों का पेस्ट। और अभी मैंने दे दिया है इसमें टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो गाइस, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुका है, आज संडे है, थोड़ा सा उठने में लेट हो चुका है क्योंकि दो प्रिपरेशन में एक साथ कर रही हूँ। यहाँ पर चिकन का मसाला जो है वो मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ अच्छे से और यहाँ पर फिश फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर पोटैटो फ्राई करके मैंने रख दिया है, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट के साथ ऑयल में फ्राई कर लिया था। और अभी इसमें दे दिया है क्यूमिन एंड कोरिएंडर पेस्ट। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत टाइम तक फ्राई कर लेना है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो मसाला से तेल जो है वो छोड़ने लगा है। इसका मतलब है कि ये रेडी हो चुका है मसाला। अभी इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी और फिर इसे अच्छे से फिर से भूनूँगी। तो गाइस, यहाँ पर चिकन अच्छे से फ्राई होता है, हो रहा है। यहाँ पर मैं चिकन को अच्छे से भून रही हूँ। ये मैं आज बिल्कुल भी कड़ी नहीं बनाऊंगी, पूरा कोसा टाइप बनाऊंगी विदाउट कड़ी। कड़ी इसमें नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसे क्या कर रही हूँ आपको पता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे मैं इसको हिला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं इसको ऐसे ये पूरा चीज़ ना पूरा मतलब लो फ्लेम में मैं पका रही हूँ, थोड़ा चिकन ना अच्छे से बॉयल हो जाए। और इसको अच्छे से ऐसे मैं ढक के रख रही हूँ और फिर से कुछ देर के बाद फिर से इसको ढक्कन को उठा के फिर से मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ऐसे करके क्या होता है ना, चिकन अच्छे से अंदर से पक भी जाता है और अलग से पानी भी मुझे ज़्यादा नहीं ऐड करना पड़ेगा अलग से चिकन को बॉयल करने के लिए। साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर फिश का प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर दे दिया है, ये मैं रिफाइंड ऑयल में बनाऊँगी फिश को। चिकन को मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया था, इसको थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल में
क्यूमिन सीड, एक बे लीफ और ऑनियन डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर दी। गाइस लगभग चिकन और फिश का जो रेसिपी है लगभग एक ही तरीके का है, थोड़ा सा चेंजेस है पर ये फिश ना हमेशा नहीं मिलता है, बहुत ही लेस इसका बहुत ही कम अवेलेबल रहता है मार्केट में, तो आज क्योंकि मार्केट में था इसलिए मैं साथ में लेके आई थी। तो दोनों ही रेसिपी लगभग एक ही टाइप के मसालों के साथ बनेगा, क्योंकि चिकन थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी का है इसलिए उसमें ज़्यादा मसाला मैंने डाला है, और फिश का क्वांटिटी कम है इसलिए फिश में ज़्यादा मसाला मैं नहीं डालूँगी। बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, फिर जैसे मैंने चिकन में बताया तो इसमें भी सेम यहाँ पर है जिंजर, ऑनियन, गार्लिक, टोमेटो और ग्रीन चिली पेस्ट, इसको मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ी देर के बाद, मैं अच्छे से फ्राई कर लेना है इसके बाद, अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और इसमें मैंने डाल दिया है टर्मरिक पाउडर, दो ग्रीन चिली और यहाँ पर है क्यूमिन एंड कोरिएंडर पेस्ट। इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड नहीं करूँगी, अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने के बाद फिर दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। तो गाइस देख सकते हैं आप पानी छोड़ने लगा है चिकन से, अभी इसको अच्छे से भून के इस पानी को हमें सुखा लेना है बिल्कुल। और अभी मैं इसमें ये पोटैटो भी डाल दूंगी। तो पोटैटो को भी डाल दिया है, अभी सब चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर मसाला जो है वो पक रहा है, तो गाइस देखिए ये मसाला भी अच्छे से भून चुका है, ये फिश के लिए बनाया है। तो अभी मैं फिश इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो लग रहा है, जल रहा है, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा जल रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो गाइस ये फिश का जो करी है वो बन गया है। लास्ट में मैंने इसमें कोरिएंडर लीफ और गरम मसाला देके बंद कर दिया था, तो ऐसा बना है अल्टीमेटली। और ये है चिकन करी, ये भी मैंने गरम मसाला डाल के बंद कर दिया था, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और घी देके, मतलब फ्लेम बंद करके फिर कोरिएंडर लीव और घी देके थोड़ा सा ढक के मैंने रखा था। तो अभी करीबन 5 to 10 minutes हो गया है, अभी इसको मैं सर्व कर लूँगी एक बाउल में। वेल हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज ना बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो कर रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा मैं बिजी हूँ अभी, क्योंकि मेरा ऑफलाइन यूनिवर्सिटी का क्लास जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो हर दिन यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है करीबन 8:30 को सुबह के, और घर लौटते शाम को 7:30 बज जाता है, क्योंकि मेरा क्लास ही ऐसा है, मतलब 5 बजे तक क्लास रहता है, तो उसके बाद घर लौटते 7:30 बज जाता है। तो आज क्योंकि सासू माँ घर पे नहीं है, तो आज कुकिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर है, वो थोड़ा गाँव गई है,
तो क्योंकि एक मैरिज ओकेशन है हमारे घर में, थोड़ा सा वो नेटिव प्लेस गई है कुछ दिन के लिए, वापस आ जाएगी। तो थोड़ा बहुत कुकिंग मैं करती हूँ शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं मिलता, 8:30 बजे निकलना होता है गाइस, तो उतना सुबह उठ के खाना पकाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं रात को ही पका लेती हूँ, जैसे राइस और कुछ एक भाजी वगैरह या फिर कुछ एक कड़ी वगैरह, तो रात को भी उससे खाती हूँ। और सुबह पीलू कोई एक सब्जी बना लेते हैं और राइस रहता है तो उसके साथ वो खा लेते हैं। मैं ऑयल चढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं ना यूनिवर्सिटी से आने के तुरंत बाद नहा लिया था, तो आज मैं एक सब्ज़ी बनाऊँगी, सिंपल सा सब्ज़ी और राइस बनाऊँगी। और सुबह दोपहर को पीनू दाल बना के रखे थे, तो उसी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, यही अपडेट है अभी तक, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ। चलिए, यहाँ पर दे दिया है मैंने ऑयल, यहाँ पर है कुकिंग ऑयल, और इसमें दे दूँगी ये वाला ऑनियन। तो ऑनियन और ग्रीन चिली थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। अभी ऑनियन और ग्रीन चिली को अच्छे से फ्राई कर लेना है, और मैं इसमें दे दूँगी टमेटो। यू नो, बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बन जाता है और खाने में भी यू नो टेस्टी भी लगता है। थोड़ा सा इसमें मैं दे दूँगी नमक, सॉल्ट एंड थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। पर मसाला में और कुछ नहीं जाएगा, बस इतना ही। इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैं दे दूँगी ये परवल। बंगाली में इसको पोटल बोलते हैं, हिंदी में आई थिंक परवल बोलता होगा इसको। और इसे अच्छे से हमको फ्राई कर लेना है इस तरह। तो गाइस देखिए, ऐसे फ्राई कर लेना है, मैं और कुछ देर और फ्राई करूँगी तो ये जो परवल है ना ये पूरा नरम हो जाएगा। वैसे आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, ये और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और नरम भी हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें दे दूँगी पानी और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए कुक कर लूँगी। और आप देख सकते हो यहाँ पर चल रहा है मेरा राइस और ये भांजी और करी, जो भी बनेगा आप देख पाओगे। और बस इसमें मैं अभी पानी ऐड कर दूंगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में रहना मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है मुझे, और पूरा दिन बाहर थी तो उसका भी एक टायर्डनेस है, तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है। छक से बन जाता है, फिर भी थोड़ा सा ये तैयारी वगैरह करने के लिए थोड़ा सा तो एनर्जी चाहिए होता है। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद मैंने शूट किया है, 2 वीक्स से मेरा ऑफलाइन क्लास चल रहा है, मतलब प्रॉपरली जब क्लास अटेंड करते हैं 10 से 5 बजे तक, सुबह के 10 से शाम को 5 बजे तक मेरा क्लास रहता है। उसके बाद घर आती हूँ तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचता कि कुछ भी मैं वीडियो करूँ। और मेरे पास ना बहुत सारा वीडियो पेंटिंग है जो मुझे एडिट करना है, वो एडिटिंग भी नहीं हो रहा है और अपलोड भी नहीं हो रहा है, तो वीडियो जाने में बहुत लेट हो रहा है। तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी यू नो हम लोग ऑफलाइन क्लास करते थे कोरोना से पहले। मेरा जो ग्रेजुएशन के टाइम का टाइमिंग था वो था 10 से 4 बजे तक, तो बीच में पूरा ऑनलाइन क्लास था। अभी अचानक से फिर से यू नो आफ्टर 2 ईयर्स अभी फिर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है यूनिवर्सिटी का। अभी मेरा क्लास जो आवर है वो है 10 से 5 बजे तक, तो 1 घंटा ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए टाइम के साथ कोप अप करने में भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी दूर है, मतलब 1.5 घंटा लग जाता है जाने में और आने में भी। तो सुबह को निकलना पड़ता है 8:30 बजे,
फिर पहुँचते पहुँचते भी शाम को 7:30 बज जाता है, तो इसलिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचता। और बहुत सारा वीडियो मेरे पास है जो मैं बिल्कुल भी एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ और पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। आदत छूट गई है ऑफलाइन क्लास का और बहुत टायर्डनेस होता है जब लौटती हूँ। तो 2 वीक्स हुआ है, आई थिंक ये भी आदत सी पड़ जाएगी और इतना टायर्डनेस नहीं लगेगा उस दिन के बाद। और ना यूनिवर्सिटी का बहुत सारा काम रहता है, असाइनमेंट करना होता है, तो इसलिए मैं वीडियो जो है वो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए वीडियो जा भी नहीं रहा है, तो फिर भी मैं आज थोड़ा सा ट्राई करूँगी, अभी के लिए तो नहीं होगा। तो एक छोटा सा वीडियो मैं अभी किया है, इस वीडियो को किसी और वीडियो के साथ लिंक अप कर दूंगी सो दैट यू कैन कम अक्रॉस माय प्रेजेंट सिचुएशन, इसलिए मेरा इतना लेट होता है आजकल वीडियो जाने के लिए, अप्लोड होने के लिए। अभी तक अप्रैल भी नहीं आया है, अभी इतना गर्मी है, पता नहीं हम लोग अप्रैल में क्या करेंगे। अभी मार्च चल रहा है, अभी इतना गर्मी है, आई डोंट नो, दिस समर इज़ गोइंग टू बी ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाला है इस समर में। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। सी यू ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ़ ऑल द पीपल हु लव एंड सपोर्ट्स यू। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज़, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय एंड गुड नाइट।